सोचने की जरूरत है। और रही बात बलात्कार की, महिला उत्पीड़न की, घरेलू हिंसा की, तो ये खत्म होने का नाम है। पति ने घर से निकाल दिया है, पाटलिपुत्र का केस है। देश के कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है, कोई भी प्रखंड ऐसा नहीं बचा है जहां पर ऐसे मामले कहीं पे भी दहेज के लिए जलाई जा रही है या फांसी पे टांगी जा रही है। तो सबसे पहली टीम महिला विकास मंच होती है। अगर लाख रुपए महीना लड़का कमा रहा है तो लाख रुपए महीना लड़कियां भी कमा रही है। हर जगह महिला ही सही होती है, पुरुष भी सही होते हैं बहुत जगह। कहीं ये सोशल साइट वगैरह जो चल रहे हैं, ऑडियो वीडियो और जो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उससे बच्चों तक काफी आसानी से पहुंच जा रही है, भी एक कारण। तो इसके लिए तो पेरेंट को मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों से फ्रेंडली हो जाइए, कि बच्चों से हर तरह की बात कीजिए, इनफैक्ट सेक्स की भी बात कीजिए। उनको बताइए बेटा ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ये बुरी चीज है, ये बहू को दादी खलती है तो दादी को बहू खलती है, तो ये सब परेशानी में भोग तो बच्चे ही भोगने हैं। सोशल मीडिया आज के डेट में पोर्न साइट्स ऊपर, इसी का फायदा महिलाएं भी उठा जाती है और ये कई बार कोर्ट के चक्कर में सारी चीजें महिलाएं के फेवर में चले जाते हैं और पुरुष प्रताड़ित होते हैं। सही है, मानती हूँ, क्योंकि दो केस हमने भी देखा है, रेप केस आया था। चूंकि कंजुगल रिलेशन में उन लोगों के रिलेशन काफी दिन से चलते रहते हैं, ठीक है, और एक टर्म कंडीशन होता है, एक कमिटमेंट होता है जो लड़का और लड़की के बीच। ये है कि बंगाल ने हर अपने डिस्ट्रिक्ट में हर ऑलमोस्ट रेड अलर्ट एरिया बना के रखा है, जहाँ पे मनचले लोग जाते हैं, पैसा पे करते हैं और लाइसेंसी रेड अलर्ट महिला। अभी देख रहे होंगे झकास भारत और झकास भारत से मैं रविकांत। आज मैं हूँ महिला विकास मंच, जैसा कि देख रहे हैं बीना मानवी जी से कुछ सवाल करेंगे, ये इसके अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से महिला विकास मंच आवाज़ उठाते रहती है महिलाओं को, तो कुछ सवाल हम करते हैं अभी। मैम, जिस प्रकार से महिलाओं पर बहुत क्रूरतापूर्वक किया जाता है कई मामलों में, चाहे वह दुष्कर्म हो या बात ही से छीटा कसी हो, मतलब केंद्र में महिलाएं रहती है और कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्थाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बनी, और आपका क्या दृष्टिकोण है या आप इसके लिए क्या कर रही हैं? देखिए, हम उस समाज में रहते हैं, हम उस संस्कृति जो हमें दी गई है, जहां सीता तक को नहीं छोड़ा गया, जहां पे द्रौपदी के साथ चीरहरण हो गई, तो ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है पूर्वजों की, तो महिलाओं को उसी दृष्टि से आज भी देखते हैं लोग। महिलाओं को एक हमारा उपभोग का सामान के इस्तेमाल में रूप इस्तेमाल किया जाता है, उपभोग के रूप में, लेकिन वो चीज़ें अब बदल गई हैं। पहले महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अब महिलाएं जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं और बराबरी में चल रही हैं। अगर लाख रुपए महीना लड़का कमा रहा है तो लाख रुपए महीना लड़कियां भी कमा रही हैं, तो वो मेंटल लेवल और सोच जो है बराबरी की आ गई है। लेकिन फिर भी महिलाएं भी थोड़ा नहीं समझ पा रही हैं इन चीज़ों को, और पुरुष भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह महिला ही सही होती है, पुरुष भी सही होते हैं बहुत जगह, तो ये समझने की ज़रूरत है। और रही बात बलात्कार की, महिला उत्पीड़न की, घरेलू हिंसा की, तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर चार घर के बाद एक घर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ महिलाएं शोषित हो रही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो बस हमारी कोशिश है इसको ख़त्म करने की। मैंने एक अभियान छेड़ा है घरेलू हिंसा मुक्त बिहार बनाने का, इंडिया बनाने का, कहाँ तक चल पाती हूँ देखिए, लेकिन अभी तक कम से कम 200-300 परिवार को तो सुरक्षित कर चुकी हूँ। अभी जिस प्रकार से दिल्ली में घटना हो रही है, हैदराबाद का तो जो परिणाम आया, देश में एक प्रकार से खुशी का माहौल था, जिस प्रकार से हैदराबाद में ये घटनाएं हो रही है या दिल्ली में, कहीं भी देश के कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है, कोई भी प्रखंड ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर ऐसे मामले नहीं आए, तो मैं महिला विकास मंच अभी तक क्या क्या मुद्दे उठा चुकी है और क्या अभी तक परिणाम आपको आते हुए दिखा होगा? हमने जो अभियान छेड़ा है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न रेप को लेके, तो परिणाम लगभग 4-5 केसेस में, बड़े बड़े केसेस में, मैं नाम नहीं ओपन करूंगी, केसेस में मैंने रेपिस्ट को सज़ा भी दिलवाई है। 164 का बयान, जो मुख्यालय के थ्रू बयान नहीं होता था, उसके हमने जाके उस चीज़ों को किया है। और प्लस बड़े बड़े लोगों का, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों का काम रेप केस में हमने किया है अभी तक बिहार में, लेकिन इंडिया लेवल पे एक निर्भया के लिए आवाज उठी है अभी, मतलब बिहार भर में आपका काम जारी है? बिहार में बहुत काम हो रहा है। बिहार में घरेलू हिंसा पे कम से कम जितनी लड़कियां कहीं पे भी दहेज के लिए जलाई जा रही हैं या फांसी पे टांगी जा रही हैं, तो सबसे पहली टीम महिला विकास मंच होती है, अगर खबर मिले तो पहुंचने वाली। अन्यथा हमारे पास, जैसे अभी हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं, पति ने घर से निकाल दिया है, पाटलिपुत्र का केस है, मतलब पति ऊपर रहता है परिवार के साथ, पत्नी को नीचे रखा है, खाना नहीं दे रहा है,
ये कह के कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम बदसूरत हो गई। अरे भैया, जब शादी करके लाए थे तो नहीं देखे थे बदसूरत थी कि अच्छी थी? अब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह से न्याय दिला रहे हैं जहाँ तक हो सकता है, कोशिश में लगी हुई हूँ। देखिए क्या ये, चूंकि मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है इसमें, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई ये नहीं। चूंकि मैं एक समाज सेवी के रूप में हूँ और समाज सेवी के रूप में ही रहना चाहती हूँ, मुझे राजनीतिक में नहीं आना है, लेकिन मेरी मेंबर्स राजनीतिक में ज़रूर आएंगी, और अगर आऊँगी तो ऐसी टीम के साथ आऊँगी जो महिला उत्पीड़न पर काम करे। बीना मानवी जी, जैसा कि यहाँ पर जो बात होती है महिला विकास मंच, तो इसमें कई पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और कई महिलाएं ही दोषी होती हैं, पर ऐसे मामलों में डायरेक्ट पुरुष को आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, बलात्कार का मामला है तो उसमें तो पुरुष ही दोषी होता है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से, और वो अलग एक कार्रवाई हो गई, मगर इसी का फायदा महिलाएं भी उठा जाती है, और ये कई बार कोर्ट के चक्कर में सारी चीजें महिलाएं के फेवर में चले जाते हैं और पुरुष प्रताड़ित होते हैं। सही है, मानती हूँ, क्योंकि दो केस हमने भी देखा है, रेप केस आया था। चूंकि कंजुगल रिलेशन में उन लोग के रिलेशन काफी दिन से चलते रहते हैं, ठीक है, और एक टर्म कंडीशन होता है, एक कमिटमेंट होता है जो लड़का और लड़की के बीच में जब फुलफिल नहीं होता है तो लड़की उसको फंसा देती है रेप केस बोल के। तो ऐसे केसेस होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लड़कियां भी फंसाती हैं लड़कों को, मतलब दोषारोपण कर देती हैं, लड़के भी ब्लैकमेल होते हैं, तो वैसे केसेस भी आते हैं। तो वैसे केसेस के लिए हम आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि यहाँ पे लड़कियों की भी गलती थी। भाई हम अगर, जब तक एक महिला नहीं चाहेगी, छोटी बच्चियां का जो रेप होता है वहां तक बात समझ में आती है, लेकिन एक बालिग 19 साल 20 साल 22 साल की लड़की जब रेप केस करती है तो वो बात मुझे भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि या तो उनका पेरेंटल दोष होता है कि बच्चों को समझाते नहीं है, और आज बच्चे 5th class 6th class के बाद ही इतने जागरूक हो गए हैं कि उनको सही और गलत पता होता है। तो एक 20 साल की लड़की का रेप जब होता है तो कहीं ना कहीं शुरू के समय में उनकी सहमति होती है, तो वैसे केसेस में हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो मुद्दा कुछ डिफरेंट टाइप से घुमा हुआ होता है, वो लड़का ब्लैकमेल होता है उस केस में। तो क्या पुरुषों का आप साथ देते हैं वैसे मामला पे, जब पुरुष एकदम फंस जाते हैं और कोर्ट का चक्कर कई लोगों को हम लगाते हुए देखे हैं? एकदम, महिला विकास मंच का आपने स्लोगन देखा होगा, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज है, ठीक है। तो जैसे महिला आयोग तो बन गया, पुरुष आयोग नहीं बना, तो वो पुरुष कहाँ जाएंगे? तो वो पुरुष अब महिला विकास मंच के पास आते हैं। जैसे एप्लीकेशन हमारे पास जो आते हैं उसमें लिखा होता है पत्नी द्वारा प्रताड़ित के संदर्भ में, तो अच्छा लगता है कि पति भी प्रताड़ित होते हैं, ऐसा नहीं है कि पति नहीं होते, भले 10% हो, मर्द भी प्रताड़ित होते हैं, बहुत बुरी तरह होते हैं, मैंने देखा है ब्लैकमेल होते केसेस को। तो उस केस में हम मेल के अगेंस्ट में हम थाना में जाके बोल देते हैं कि औरत गलत है, महिला आयोग में बोल देते हैं कि इस औरत की गलती है, ऐसा। पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और इसकी संख्या भले ही कम हो, पर बिना मानवी जी, बलात्कार का मामला है तो इसमें कानून अभी जो है वो पर्याप्त है, या सरकार द्वारा और भी कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट या और भी कुछ तेजी से चलना चाहिए, मतलब कानूनी? नहीं नहीं, इसके लिए तो फास्ट ट्रैक हमेशा आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी निकालते रहते हैं आदेश, मतलब इस तरह का याचिका, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी भी, फास्ट होना चाहिए। अगर घोषित, जैसे आज का 19 केस, आज 19 लोगों का अगर कोर्ट ने घोषणा कर दी कि ये दोषी हैं तो सजा दे दो, इंतजार किस बात का है, ये होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होता है। एक 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 मामला यह भी उठता है कि कई लोग कहते हैं उत्सुकतावश या जो भी हो वो उस वक्त कारण होता है सूट एंड साइट का, कि मतलब कि अगर ऐसा पता चलता है तो उसे सूट एंड साइट कर देना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब एकदम तुरंत जो है डिसीजन नहीं होता है, कई केस में हमारे हो सकता है वो लड़का गुनहगार ना हो और मारा जाए गोली मार के, है ना, ऑन साइट पे, तो वो नहीं होना चाहिए, कानून का इंतजार करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के जो बातें हैं, लेकिन कानून को फास्ट कर देना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगी। ये मैं बात कर रहा था बीना मानवी जी से, महिला विकास मंच में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैम एक सवाल और है कि समाज में जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है ये काम, ये इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ और शायद ये मैं समाज के हित में ना बोलूँ, लेकिन आप याद करो, आज से 10 साल 20 साल बैक अगर हम चले जाएं तो हर जगह एक मुजरा खाना हुआ करता था, एक रेड अलर्ट एरिया हुआ करता था, जो शहर का डस्टबिन माना जाता था। आज बंगाल में कितने रेप केस आप ढूंढते हो? बंगाल में रेप केसेस नहीं सुनने मिलेंगे जल्दी, होते होंगे लेकिन इतने नहीं होते हैं जितने यूपी एंड बिहार में होते हैं। उसका रीज़न ये है कि बंगाल ने हर अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर ऑलमोस्ट
रेड अलर्ट एरिया बना के रखा है, जहाँ पे मंचले लोग जाते हैं, पैसा पे करते हैं और लाइसेंसी रेड अलर्ट महिलाएं उपलब्ध हैं और वो लोग अपनी, ये हमारी क्या कह सकते हैं उसको, ये हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है इसको फिलफिल, क्योंकि जो सोशल मीडिया आज के डेट में पॉर्न साइट्स ओपन हो गए हैं उसमें हम लोग इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, ये लोगों की नीड है। तो ये रेड अलर्ट एरिया जैसे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ करता था, पटना सिटी में चले जाइए तो एक गली थी, कोई हम लोग नहीं थे लेकिन सुनते थे मम्मी पापा से, हुआ करता था। तो उस समय लोग क्या करते थे, गए वहाँ 500,000 पे किए और उन्होंने अपनी चीज़ नीड फुलफिल की। आज वो तमाम रेड अलर्ट एरिया ख़त्म कर दिए गए हैं, क्या तो नहीं होना चाहिए समाज, लेकिन मेरी नज़र में वो समाज में एक कूड़ेदान होना चाहिए जहाँ पे ये मन चले जाएं, अपनी भड़ास निकालें ताकि हम जैसे घर के बच्चियों रेप केस से बचें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है और ये सबको कहने की हिम्मत ऐसी नहीं होती है। और ये बहुत, और कहीं ना कहीं ये सोशल साइट वगैरह जो चल रहे हैं, ऑडियो वीडियो और जो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उससे बच्चों तक काफ़ी आसानी से पहुंच जा रही है, भी एक कारण। तो इसके लिए तो पेरेंट को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों से फ्रेंडली हो जाइए, कि बच्चों से हर तरह की बात कीजिए, इनफैक्ट सेक्स की भी बात कीजिए, उनको बताइए बेटा ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो बच्चा एकाकी का जो आज के डेट में हो गया, मम्मी जॉब में पापा जॉब में, बच्चे घर में अकेले हैं, तो वो उस चीज़ का इफेक्ट बच्चों के माइंड पे पड़ना ही पड़ना है, इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते हैं। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी जहाँ नानी दादा दादी देखने वाले हैं, अब तो बहू को दादी खलती है तो दादी को बहू खलती है, तो ये सब परेशानी में भोग तो बच्चे ही भोगने हैं फिर। बिल्कुल, कई लोगों का कहना है कि कपड़ा का भी एक रोल होता है, इस पर हम आपकी एक छोटी सी राय चाहेंगे। नहीं, कपड़े पहनावा ओढ़ावा को लेकर कपड़े का रोल नहीं होता है। कपड़े का रोल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप देख लीजिए, आज हम इंडिया में हैं इसलिए कपड़े की बात करते हैं, जरा विदेश में चले जाइए, लोग न्यूड घूमती रहती हैं और विश्व सुंदरी की तरह मतलब लोग दिखती है, तो वहाँ कहाँ डिज़ायर होता है, तो वो लोगों का नज़रिया होता है देखने का, कपड़ा कहीं से ख़राब नहीं होता है। अब कोई बच्ची न्यूड तो नहीं चल रही है, जीन्स पहन के चल रही है टॉप, जो नेता इस तरह की बात बोलते हैं या जो लोग बोलते हैं कि आप अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए, मैं उनके लिए संदेश देती हूँ कि आप अपनी नज़रों पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत लंबी बातचीत हो गई और ये बीना मानवी जी अगर ऐसा काम करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि समाज में कुछ गिने चुने लोग महिलाओं के प्रताड़ित या पुरुष जो प्रताड़ित हैं उनके लिए काम करती हैं। और भी हम बात करते रहेंगे और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।